हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HTC Desire 20 Plus के बारे में। इस फ़ोन को आज ही लॉन्च कर दिया ताइवान पे HTC, एंड इसका जो प्राइस निकल कर आया है वो है भाई 8490 रुपीज़ ताइवान में, एंड इसका इंडियन रुपी में होता है भाई 21700। एंड ये सेल्फी भी जा चुका है ताइवान पे, एंड इस पे आपको क्या मिलेंगे, 6.5 इंच का एक HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल्स। एक HD डिस्प्ले मिलता है, ठीक है, HD फुल HD नहीं मिलेंगे। एंड इसका जो प्रोसेसर है भाई बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर लगाया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G जो 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, 8 कोर का प्रोसेसर है, 8 NM पे ये बेस करके इसको बनाया गया, एड्रीनो 618 का GPU है। आप गेमिंग बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, बट इधर आपको HD डिस्प्ले मिलता है इसलिए उतना मज़ा नहीं आने वाला है। फुल HD देता तो बहुत ही बढ़िया हो सकते थे, ठीक है। एंड बात करेंगे इसकी कैमरा, तो 48+5+2+5 चार कैमरा आपको पीछे देखने के लिए मिलता है। एंड फ्रंट की बात करेंगे तो इधर आपको 16 MP का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड साथ में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रहता है, ठीक है। एंड बात करेंगे इसकी वेरिएंट, तो एक ही वेरिएंट में ये लॉन्च किया गया, इसको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, एंड इधर आपको LPDDR4X वाला रैम देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बात करेंगे इसकी बैटरी, तो 5000 mAh की बैटरी है, साथ में क्विक चार्ज 4.0 को ये सपोर्ट करता है। एंड बात करेंगे इसकी कलर, तो ये दो कलर में लॉन्च हुआ है इसका, ये दो कलर में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डॉन ऑरेंज एंड ट्वाइलाइट ब्लैक, दो कलर में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड बात करेंगे इसकी अदर कनेक्टिविटी, तो इधर आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5 mm हेडफोन जैक, एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएंगे, एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट अलग से दे रखा है। तो अब अगर आपके स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो अब स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है, माइक्रो SD कार्ड के थ्रू। एंड जितने भी सेंसर्स हैं, जायरोस्कोप, कॉम्पस, लाइट, एम्बियंट सेंसर, सारे के सारे सेंसर्स इधर आपको मिल जाएंगे। तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे जो लॉन्च किया गया ताइवान के लिए ये सही है, बट इंडिया पे अगर ये फ़ोन आता है तो इस प्राइस पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसका प्राइस मुझे लगता है पर्सनली 13,000 to 15,000 के बीच में ये आ सकता है, बट इधर आपको भाई फुल HD नहीं देखने के लिए मिलता है, आपको जस्ट HD डिस्प्ले मिलता है, उसके लिए भाई ये बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेडेड इधर हो जाता है। अगर इधर इसने मतलब जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G जो प्रोसेसर दिया है वो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, बट इधर थोड़ा सा कम अगर देता है तो भी कुछ नहीं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आता, बट इधर आपको HD डिस्प्ले मिलता है सिर्फ, वो देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है HTC के, मतलब हरकत यार क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलने का। बट अगर ये इंडिया में आता है तो 13,000 to 15,000 के बीच में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल सकता है, 13,000 to 15,000 के बीच में, क्योंकि इधर आपको 720G मिलता है, चार कैमरा मिलेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, तो वो देख के मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है कितना प्राइस पे ये आ सकता है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो अच्छे तो जैसे लाइक कर देना एंड शेयर कर देना मेरे वीडियो को, एंड चैनल पे नए तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोज आगे देखने, तो चलते मिलते किसी दूसरे और एक इंच वीडियो, तब के लिए बाय बाय।